सुबह सुबह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी आवास के बाहर भारी बवाल खड़ा हो गया है। कई वर्षों से वेतनमान और नौकरी अस्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र के कर्मियों ने मंत्री के निजी आवास को घेर लिया है। बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काट रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया था। प्रदर्शन में शामिल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि उस दिन बीजेपी कार्यालय के बाहर से खदेड़ दिया गया था, लेकिन आज हमें कोई खदेड़ कर दिखाए। कई वर्षों से सिर्फ वर्दी, पेटी, टॉर्च के सहारे नौकरी करते आ रहे हैं। क्या हमारे बाल बच्चे और परिवार नहीं है? आखिर सरकार क्यों दोहरी नीति अपना रही है? कब तक हम मुफ्त में सेवा देते रहेंगे? हम चुप नहीं बैठेंगे। आज आर या पार होकर रहेगा। सरकार हमें गोली मरवा दे या नौकरी अस्थायी करे, वेतन मान दे, नहीं तो हम आत्मदाह करने पर भी मजबूर होंगे। तो वही संयोजक कैलाश शाह ने बताया कि तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कॉमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।